उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी तहसील में कई ऐसे गांव हैं जो आजादी के 70 साल बाद भी बिजली की सुविधा से महरूम हैं। इन गांवों में शाम होते ही अंधेरा और सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे ही एक गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां 10 साल पहले बिजली के खंभे तो जरूर लग गए, लेकिन बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई। बच्चे आज भी लालटेन की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पे खंभे वगैरह तो है, तार का कोई पता ही नहीं है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में परेशानी होती है। आज तक कोई भी तार नहीं डालने आता, ना कोई देखे क्या है, बत्तिया है ना है गाँव में। 15 साल है कम से कम उस खंभे लड़े, और मंत्री साहब पहले विधायक रहेंगे वो लक्ष्मी गौतम, तब भी खड़े, तब भी हम 4 बार गए। क्या सोचेंगे ना सोच पाएंगे। आप समझ लो गिरीश चंद ने, पहले गिरीश चंद ने गड़वाए, गिरीश चंद ने कही कि मैं जीत जाऊंगा तो कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो गिरीश चंद भी बुढ़ावे, आप जीत जाएंगे, अब आए मंत्री साहब भी ना सुनेंगे, बता कौन से कहेंगे। उससे हिम्मत पड़ती नहीं किसी से कहने की, क्या करें कहते। गाँव के लोगों का कहना है कि चंदौसी तहसील के करेला गांव में राजनीतिक वजहों से अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई। फिलहाल बीजेपी की गुलाब देवी यहां की विधायक हैं। गुलाब देवी योगी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। उनका घर इस गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आज तक उन्होंने इस गांव का दौरा नहीं किया। बिजली विभाग के अधिकारी अपनी अलग मजबूरी गिनाते हैं। इसमें दीनदयाल ज्योति योजना के तहत बनियाखेड़ा ब्लॉक का काम मैसर्स GSR हैदराबाद को दिया गया था। कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसके कारण उसने इस काम को अभी तक पूरा नहीं किया है। अब दूसरी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई है सौभाग्य योजना, उसके तहत मई से सर्वे शुरू हो जाएंगे और जो शेष काम को है सौभाग्य योजना के तहत पूरा करेंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी इस रिपोर्ट को देखकर प्रदेश के मुखिया, देश के बिजली मंत्री और प्रधान सेवक जी जरूरी कदम उठाएंगे। और संभल के ये गांव साल 2018 की दीपावली अंधेरे में नहीं, बल्कि अपनी बिजली अपनी रोशनी में मनाएंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, संभल।